सरकारी जुमलों की असली हकीकत जानने हम पहुंचेंगे आपके वार्ड। कितने सुने गए आपके मुद्दे, कौन नेता रहा जनता से? बिजली, पानी, सड़क, जमीनी मुद्दों की जमीनी हकीकत जानने, सरकार के दावों की हकीकत जानने, आपकी आवाज को बुलंद करने। हम आ रहे हैं आपके गली, आपके मोहल्ले, आप लोगों के बीच। वार्ड यात्रा सिर्फ जेजेएन न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। अपनी मांगों को लेकर उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ कमर कस ली है। सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने कहा कि पिछले हफ्ते जब वो एक दिवसीय धरने पर बैठे थे तभी उन्होंने सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था कि अगर एक हफ्ते के अंदर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी के मद्देनजर आज से एक बार फिर उपनल कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जबकि बार बार उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। उपनल कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि वो लोग 17 सालों से लगातार कई विभागों में कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद भी आज तक किसी भी सरकार ने ना तो उनको सम्मानजनक वेतन दिया है और ना ही कोई नियमावली बनाई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं हम, इतने समय से अपनी एक सूत्रीय मांग को समान कार्य समान वेतन के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से इतने समय से हम लड़ते आ रहे हैं अपनी मांगों को, लेकिन सरकार हमसे हर बार खिलवाड़ करती है, छलावा करती है। इससे पहले भी हमने हड़ताल की थी, 56 दिन 22 दिन की हड़ताल करी, लेकिन मानवता के नाते हमें सरकार ने और प्रशासन ने अंदर बुलाया, लेकिन हमने तो मानवता दिखा दी। अब इनकी बारी है, अगर ये हमारा कुछ करते हैं तो तब ठीक है, नहीं तो अगर हमारे कोई भी कर्मचारी यहाँ पर कोई भी ऐसा आत्मघाती कदम उठाएंगे तो उसके लिए यहाँ प्रशासन और शासन सब जिम्मेदार होगा। हम तो कुछ भी कर मरने के लिए तैयार हैं जब तक हमारा कुछ भला नहीं होगा। सरकार के लिए तो हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि वो हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है। हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं और कोविड काल में भी हमने इतनी मेहनत की हुई है, हमने अपनी जान जोखिम में डाल करके इनके चरणों पर लगा दिया है सरकार के हर तरह से बिल्कुल, फिर भी सरकार हमारी तरफ को बिल्कुल ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है। अपना आशाओं के संग इन्होंने अच्छा किया और शिक्षा मित्रों के संग अच्छा किया है। हम लोग यहाँ पे इतने सालों से कार्यरत हैं, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं और फिर भी सरकार का ध्यान हमारी तरफ को आकर्षित नहीं है, आखिर क्यों? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2020 मार्च के मैंने हम लोगों ने सबसे पहले जो आंदोलन किया था 25 दिन का, देहरादून में 56 दिन का जो आंदोलन हुआ था उसमें सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस टाइम पे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनने एक कमेटी बनाई थी जिसमें उपनल कर्मचारियों की नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की मांगों को अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। उसके बाद 3 मुख्यमंत्री इनके चेंज हो गए सूबे के, कई कमेटी का गठन कर दिया, कई इनकी कैबिनेट हो चुकी हैं। आखिर उपनल कर्मचारी ने ऐसा क्या किया? उपनल कर्मचारी 22,000 कर्मचारी इस टाइम पे पूरे सूबे के अंदर हैं, उपनल कर्मचारी को इनने अनदेखा कर रहे हैं। तो उपनल कर्मचारियों से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही, बाकी देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।